इस न्यू ड्रामा में आप सभी का स्वागत है। सो उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अ ब्यूटीफुल चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल। सो बिना देरी के लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। इस ड्रामा की स्टार्टिंग सबसे पहले एक मैरिज से होती है। यहाँ पर कुछ वेटर्स बात कर रहे थे कि तुम्हें पता है कि आज किसकी शादी है। तभी वो कहता है कि ऑफकोर्स पता है, तभी तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके बाद वो बताता है कि लू फैमिली की एक लौती डॉटर फांग निंग की शादी है। उसका स्टाइल थोड़ा अलग है, लगता ही नहीं है कि वो एक लड़की है। तभी वो कहता है कि बस यार चुप कर, अगर किसी ने सुन लिया ना हमें भी ऐसे ही निकाल देगी जैसे कि हम कॉफी में से मक्खी को निकाल देते हैं। इसके बाद हम अपने ड्रामे के मेन लीड को देखते हैं। उसका नाम है लिंग रोई, जो कि एक प्रोफेशनली डॉक्टर है। इतने में हमारी फीमेल लीड फांग निंग की एंट्री होती है और इसके बाद वो फ्लावर्स एक्सेप्ट करती है और इन दोनों की शादी होती है। आफ्टर दैट ये दोनों किस करने वाली होते हैं। तब यहाँ पर फांग निंग उसे अपनी बाहों में गिराकर माइक लेकर सबको बताती ये कि फाइनली आज हम दोनों शादी करने वाले हैं और ऑफिशियली आज से ये मेरा हस्बैंड बनने वाला है। सो कोई कोशिश भी मत करना इसके ऊपर अपनी आंखें डालने की, ओके? सो अब हमारी स्टोरी थोड़ी प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट में हम अपनी फीमेल लीड फांग निंग को ही देखते हैं। फांग निंग एक बिजनेस वूमेन है जो कि अपना काम काफी प्रोफेशनली करना जानती है। उसके एक इशारे पे सारा स्टाफ उसके सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पर फांग निंग अपनी कंपनी में एंटर करती है तो उसका असिस्टेंट उसका सारा शेड्यूल उसे गिन गिन कर बताता है। तभी यहाँ पर फांग निंग आगे जाती है और उसे सब कुछ मिस्टेक्स बताती है। सेकंड फ्लोर का मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे जल्दी से जल्दी ठीक करो। और थर्ड फ्लोर पर जो पोस्टर लगे हैं वो भी एकदम बेकार है, अगर किसी ने देखा तो हमारी कंपनी का गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तभी वो कहता है कि ओके मैं अभी चेंज कर देता हूँ। आज बोर्ड मीटिंग बैठी हुई थी और ये सभी यार डिसाइड करने वाले थे कि आखिर फांग निंग को इस कंपनी में रहने दिया जाए या फिर उसे फायर कर दिया जाए। इसके बाद फांग निंग अंदर एंटर करती है और सभी को चुप करवाती है और कहती है कि आपको तो पता ही है कि मैं लू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बिना काम करे भी जिंदगी भर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हूँ, बट मैंने काम करने का चूज किया है एंड किसी की भी हिम्मत नहीं है जो कि मुझे फायर कर सके। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड, राइट? हम देख सकते हैं कि फांग निंग को किसी चीज से भी डर नहीं लगता। अगर बोर्ड मीटिंग में उसे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा तो वो ऑलरेडी इतनी अमीर है कि वो कुछ भी कर सकती है, इसीलिए उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे वोट करता है और कौन नहीं। यहाँ पर सारी बोर्ड मीटिंग में हलचल मच जाती है कि आखिर ये केयरफ्री कैसे हो सकती है। फांग ने ये कह तो दिया था कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट घंटा उसे फर्क पड़ता है। इसके बाद वो कहती है कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे इस कंपनी से निकाल सके। दरअसल उसके न्यू प्लान्स में कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर फांग ने के हिसाब से उसका जो प्लान है वो सक्सेस पाएगा और जरूर कर रहेगा। इसके बाद वो कहती है कि वो हॉस्पिटल जाना चाहिए हमें। हॉस्पिटल वो जाना चाहती थी बिकॉज बोर्ड मीटिंग की एक और मेंबर श्याओ, जो कि अभी हॉस्पिटल में है, उसने अभी अपनी बेबी को बर्थ दिया है तो उसे थोड़े पटाने के लिए उसे हॉस्पिटल जाना था। इसके बाद कई सारे गिफ्ट लेकर हॉस्पिटल जाती है ताकि उसे थोड़ा परस्यू कर सके। यहाँ पर हम श्याओ को देखते हैं जो कि अपना बेबी का ख्याल रखती है। तभी वो कहती है कि फांग निंग कभी तो कम से कम अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हटकर अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दो। मुझे पता है कि तुम प्रोफेशनली भले कितनी अमीर हो बट तुम्हारी अपनी जिंदगी में कुछ भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना कि तुम बाहर से शो ऑफ करती हो। फांग निंग कहती है कि देखो मेरे पास इतने बेकार की चीजों का टाइम नहीं है। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस लिए आई हो। इसके बाद वो कहती है कि देखो मेरे बेबी को। तभी यहाँ पर फांग निंग कहती है कि ही सो स्मॉल। दरअसल हम बात करें तो फांग निंग को बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। बच्चे तो मुझे भी नहीं पसंद है बट हाँ थोड़े बहुत क्यूट लगते हैं यार अगर वो रोए ना। इसके बाद वो कहती है कि हाँ क्यूट है। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें मेरा वोट लेना है तो अभी के लिए मेरे बेबी को संभालो। इसके बाद वो चली जाती है। यहाँ पर बेबी रोना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर फांग निंग कहती है कि शाओ आई एम सॉरी, अपने इस बेबी को तो संभालो, मैं क्या करूँ, ये रोए जा रहा है। उसे बिल्कुल पता नहीं रहता कि आखिर इस बच्चे को चुप कैसे करवाते हैं। तभी वो कोशिश करने लगती है पर वो बच्चा और रोए जा रहा था और रोए जा रहा था। तभी यहाँ पर फांग ने कहती है कि प्लीज भाई चुप हो जा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें चुप कैसे करवाते हैं। इतने में यहाँ पर हमारे ड्रामे की मेन लीड लिंग रुई की एंट्री होती है, जो कि इस हॉस्पिटल में ही डॉक्टर है। ये इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। अभी हमारी जो स्टोरी थोड़ी पास में चल रही है तो फ्यूचर का बाद में देखेंगे। यहाँ पर वो उस बच्चे को उठाता है, उसे चुप करवा देता है। फांग निंग से उसे ही देख रही थी और कहती है कि ओह तुमने तो चुप भी करवा दिया, यू आर सो अमेजिंग। इसके बाद ये दोनों बेबी को लिटा देते हैं और इन दोनों का फर्स्ट आई कॉन्टेक्ट होता है। तो ये रहा इनका फर्स्ट एनकाउंट। के बाद हमारा मेनली लिंग रुई वहाँ से चला जाता है और फांग निंग उसे देखती है कि ओह माय गॉड ही इज सो हॉट। इसके बाद लिंगरोई अपने केबिन में चला जाता है, फांग निंग भी उसके ऑफिस में ही आ जाती है। अभी वो चेंज कर रहा होता है तभी यहाँ पर फांग निंग अपने फोन पे बात कर रही थी और वैसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो चेंज कर रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। तभी लिंगरोई उसे देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर
इसके बाद फागनी बड़े आराम से चेयर पर बैठ जाती है और कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं तुमसे मिलने आई थी। दरअसल मुझे लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड हॉट हो, तुम्हें क्या लगता है? मेरी कॉम्प्लीमेंट पसंद आए। यहाँ पर लिंगरुई कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और किसी डॉक्टर के केबिन में बिना नॉक किए हमें नहीं आना चाहिए, इट्स अ बैड मैनर। इतने में ही लिंगरुई का एक कलीग वहाँ पे आने लगता है। इसके बाद लिंगरुई फांगनी को लेकर कर्टन के पीछे छुप जाता है। तभी उसका कलीग कहता है कि तुम्हें साइन करना है। तभी यहाँ पर लिंगरुई कहता है कि मैं बाद में कर दूंगा। वो कहता है कि अभी कर दो ना। तभी यहाँ पर लिंगरुई कहता है कि मैं चेंज कर रहा हूँ यार, समझो। तभी वो कहता है कि तुम चेंज कर रहे हो, फिर तो मुझे और जल्दी देखना है, क्या मैं देख सकता हूँ? इसके बाद वो कर्टन हटाने लगता है। तभी यहाँ पर लिंगरुई कहता है कि बेशरम भाग जाए यहाँ से। तभी वो कहता है कि नहीं यार, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। इसके बाद कर्टन हटाने के चक्कर में वो भी देख लेता है कि अभी लिंगरुई फांगनिंग के साथ है। इसके बाद वो खुद ही कर्टन बंद कर देता है और कहता है कि कैरी ऑन, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इसके बाद फांगनिंग भी बाहर आती है और लिंगरुई को कॉम्प्लीमेंट करती है कि उसका जो बॉडी शेप है वो काफी हॉट है। मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ, तुम बहुत स्मार्ट लगते हो शक्ल से और तुमने क्या फेस पाया है। मैं बात करूँ तो मुझे ब्यूटीफुल चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, सो बचकर रहना, अगर मेरी नजर तुम पे पड़ गई ना तो बस खेल खत्म। यहाँ पर लिंगरुई कहता है कि प्लीज क्या आप यहाँ से जाएंगी। यहाँ पर फांगनिंग कहती है अभी तो जा रही हूँ पर लौट कर जरूर आऊंगी। इसके बाद फांगनिंग अपने घर पर जाती है। यहाँ पर उसके डैड उस पर गुस्सा होते हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि फांगनिंग अपना काम करे प्रोफेशनली, वो बात अलग है, लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा एटीट्यूड है वो कभी कभी कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहता। यहाँ पर वो चाहते हैं कि फांगनिंग ब्लाइंड डेट पर जाए, तो चाहते हैं कि फांगनिंग की जल्दी से शादी हो जाए और वो अपनी लाइफ अच्छे से स्टार्ट करे, उसके जल्दी ही बेबी भी हो जाए, लेकिन फांगनिंग इसके लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तभी उसके डैड कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है मैं उसे कैंसिल करवा दूंगा, फिर देखता हूँ कि आखिर तुम उस पर काम कैसे करती हो। फांगनिंग के लिए अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो गई थी कि उसे जल्दी से जल्दी शादी करनी है। इसके बाद अपने घर पर जाती है। हम देखते हैं कि फांगनिंग प्रोफेशनली जितनी बिजी रहती है वो घर पे उतनी ही ज्यादा अकेली है। फॉर दैट फांगनिंग को देखते हैं जो कि जूडो क्लास में होती है, पर वो सभी को हरा देती है, वो भी सिर्फ अपने एक एक अटैक में। इसके बाद यहाँ पर हम पर अपने एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं। इसका नाम है पेंग तांग पेंग, जो कि एक ऑनलाइन स्टार है। वो ऑनलाइन लाइव शो कर रही होती है और वो यहाँ पर जूडो खेलने आती है। उसकी अपोनेंट अभी कोई और नहीं थी बल्कि फांगनिंग ही थी। इसके बाद उसके साथ खेलती है पर फांगनिंग उसे गिरा देती है। तभी वो कहती है कि तुम क्या कर रही हो, मुझे एक बार जीत कर तो देखो यार, फिर मैं थोड़ी फेमस हो जाऊंगी, अभी मेरा लाइव चल रहा है। लेकिन फांगनिंग उसे अगली बार और बुरी तरीके से गिरा देती है। साथ साथ में फांगनिंग की गर्दन में भी अपने नाखून लगा देती है और फांगनिंग को भी गर्दन पे थोड़ी चोट लग जाती है। जब तांग पेंग नीचे गिरती है तो चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। इसके बाद वो कहती है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरा हाथ टूट गया। तभी यहाँ पर फांगनिंग को पता था कि अभी थोड़ा नाटक कर रही है, यहाँ पर वो मानती नहीं है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना ही पड़ता है। इसके बाद ये सभी हॉस्पिटल जाते हैं। फांगनिंग को वहाँ पर लिंगरुई भी दिख जाता है। इसके बाद लिंगरुई उसके गर्दन के निशान को देखता है और कहता है कि तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है? तभी फांगनिंग पहले मना करती है, सोचती है कि यही अच्छा मौका है इसके पास जाने का। तभी कहती है कि हाँ बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम उसे ट्रीट कर सकते हो? यहाँ पर वो कहता है कि मैं डॉक्टर भी इसीलिए हूँ। इसके बाद वो उसके गर्दन के घाव को ट्रीट करता है और कहता है कि शायद अब तुम ठीक हो। फांगनिंग कहती है कि हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, तुम सच में कमाल के डॉक्टर हो और तुम्हारा बॉडी शेप भी बहुत अमेजिंग है। तभी यहाँ पर लिंगरुई कहते हैं कि आई एम सॉरी बट मैं अभी काम पर हूँ, तो आप ऐसी बातें करना बंद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिंगरुई अपने घर पर होता है, तभी उसे उसकी छोटी वाली आंट से पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है। दरअसल 4 मिलियन युआन का है जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वो कहता है कि मैं इसे कैसे चुका सकता हूँ। तभी उसकी आंट कहती है कि वही तो, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था पर मेरे सारे पैसे डूब गए, अब मुझे इतने सारे पैसे चुकाने हैं और वो पैसे किसी और को नहीं, फांगनिंग को ही वापस करने थे। इसके बाद अपनी छोटी वाली आंट की तरफ से लिंगरुई फांगनिंग से मिलने के लिए जाता है। दरअसल इन दोनों को ही पता नहीं था कि ये दोनों मिलने वाले हैं। यहाँ पर फांगनिंग कहती है कि ठीक है, ये 4 मिलियन युआन बहुत ज़्यादा है ना। तभी वो कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा है, तो मैं एक साथ तो नहीं चुका सकता बट मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको वापस कर दूंगा। तभी यहाँ पर फांगनिंग कहती है कि मेरे पास एक और बहुत अच्छा आइडिया है, इसके बाद तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ पर वो कहता है कि क्या? फांगनिंग कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। तभी वो कहता है कि वॉट, कि आप क्या कर रही हैं? तभी फांगनिंग कहती है कि सच तो बोल रही हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं देना और सब कुछ एकदम फ्री हो जाएगा। यहाँ पर लिंगरुई मना करता है और कहता है कि आई एम सॉरी बट मैं बेकार की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतने में ही यहाँ पर तांग पेंग आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरा हाथ तोड़ा था ना, अब चलो मैं ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, नहीं तो मैं अपने डैड से बोल दूंगी कि वो तुम्हें बोर्ड मीटिंग में कभी भी वोट ना करें। इतने में ही तांग पेंग के डैड पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं कि बी रिलैक्स माई डॉटर,
रिलैक्स, ऐसी बात नहीं करते। टांग पांग दिखती है कि फांग निंग और इस डॉक्टर में कुछ चक्कर लग रहा है। अगर इन दोनों में चक्कर है तो मुझे भी इसमें इन्वॉल्व तो होना ही पड़ेगा। हम बात करें तो टांग पांग हमेशा फांग निंग से जेलस होती है और ये दोनों की टक्कर हमेशा बनी रहती है। दोनों कभी भी एक दूसरे को खुश नहीं देखना चाहते। एक दूसरे का काम खराब करने में दोनों को काफी मजा आता है। अगले दिन टांग पांग पहुंच जाती है लिंगरोई के लिए कुछ गिफ्ट लेकर। लिंगरोई लेने से मना कर देता है। तभी टांग पांग कहती है कि लो ना, मैं स्पेशली आपके लिए लाई हूँ। इतने में ही यहाँ पर फांग निंग आ जाती है और कहती है कि स्टे अवे, फ्रसल ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड है तो इसके पास आना बंद करो। इतने में ये दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं। तभी लिंगरोई इन्हें दूर करता है और इसके बाद फांग निंग को लेकर चला जाता है। फांग निंग का तो अभी भी यही डिसीजन रहता है। यहाँ पर उसे फ्लावर्स देती है और कहती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं ना। तभी यहाँ पर लिंगरोई कहता है कि बकवास, हम दोनों शादी नहीं कर सकते। इसके बाद उसे रिजेक्ट करके वहीं से चला जाता है और कहता है कि मैं आपके पैसे आपको जल्दी वापस कर दूंगा, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। इसके बाद वो चला जाता है। तभी फांग निंग कहती है कि पूरे पैसे और टाइम दोनों ही वेस्ट कर दिए, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद फांग ने अपने एक बिजनेस पार्टनर से मिलती है जो कि शक्ल से ही ठरकी लग रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है कि फांग ने मुझे पता है कि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो और तुम्हारा जो प्लान है वो भी सक्सेस हो जाए। इसीलिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जो कि मैं तुम्हें अपनी पेंट हाउस में आकर बताऊंगा। तुम मेरे घर पर आ सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मेरा प्लान क्या है और इससे हम दोनों का ही फायदा होगा। फांग ने कहती है कि ठीक है, पर हम देखते हैं कि लिंगरोई भी दरअसल उसी रेस्टोरेंट में किसी प्रोफेसर से बात करने के लिए आया होता है। यहाँ पर उसके प्रोफेसर उसे पैसे ऑफर करते हैं पर लिंगरोई लेने से मना कर देता है। अब दैट लिंगरोई वॉशरूम जाता है तो यहाँ पर उसी ढर की इंसान की बातें सुनता है। तुम्हें पता चलता है कि वो फांग निंग की ड्रिंक में कुछ मिलाने वाला है जब फांग निंग उसके घर पर होगी। इसके बाद लिंगरोई कहता है कि ये तो बहुत ही बेकार इंसान है। इसके बाद हम फांग निंग को देखते हैं जो कि उसके घर पर होती है। यहाँ पर वो बंदा उसके लिए पानी लेकर आता है जिसमें वो कुछ मिला देता है। अब दैट वो कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें शादी करनी है और मुझे अपने फ्यूचर प्लान्स पूरे करने हैं, सो हम दोनों ही शादी कर लेते हैं। तुम्हें तो पता है कि आई रियली लाइक यू। और इस पर फांग निंग का जवाब रहता है कि तुम्हारी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम शादी कर लेंगे तो मैं उसे डिवोर्स ले लूंगा। फांग निंग कहती है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हम यहीं पर लिंगरोई को देखते हैं जो कि फांग निंग को रोकने के लिए उसी पेंट हाउस की तरफ भाग रहा होता है। इसके बाद वो भाग रहा होता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।